हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, मोशन। हम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ पढ़े, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा। तो आज जो है वो हम ग्राफ्स को यूज़ करके इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास तो मेनली 3 इक्वेशंस हैं मोशन की, जो कि आपको ड्राइव करनी भी सीखनी है और आपको उनको याद भी रखना है, क्योंकि हमारे मोशन के साथ रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इन 3 इक्वेशन के बेस पे जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको ये इक्वेशंस जो है वो अच्छे से याद करनी है और इनको आगे फ्यूचर के लिए भी आपको याद रखना है, क्योंकि 10th में, +1 में, +2 में जब भी आपको मोशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तो उनके लिए आपको इन्हीं बेसिक इक्वेशंस की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द ग्राफ्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चलता है, इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रहा होता है, तो हम उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो पता कर सकते हैं कुछ इक्वेशंस की हेल्प के साथ। इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशंस बोलते हैं। और ये हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं जो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। सेकेंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यूज़ किए। तो ये 3 इक्वेशंस है जो आपको याद रखनी है। वी इज इक्वल टू यू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। यहाँ पे हमें जो है वो वी जो है, वी जो होता है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। ये वाला जो वी लिखा हुआ है, वी जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनल वेलोसिटी को। यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? जब हमने चलना शुरू किया, मतलब कि जब हम चेक कर रहे हैं। चलना शुरू कहना एक सही वर्ड नहीं होगा अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने चलना शुरू किया, तो चलना तो मैंने रेस्ट से ही शुरू किया होगा, तो उस टाइम तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो ये कहना थोड़ा सही वर्ड नहीं होगा इसके लिए। इसका सही, अगर हम प्रोनाउंसिएशन बोले सही मायने में, इसका मतलब ये होगा कि जब हमने चेक करना शुरू किया, जब हम देखना चाहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में क्या चेंज हुआ है, तो स्टार्टिंग के टाइम के जब हमने घड़ी को देखना शुरू किया या फिर जब हमने स्टॉप वॉच को देखना शुरू किया, उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी, जिस टाइम हमारे माइंड में ये आया कि हाँ इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, तो वो जो होगा वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा वो मेरा फाइनल पॉइंट होगा। तो इनिशियल का मतलब जहाँ से हमने देखना शुरू किया, जहाँ से हमने चेक करना शुरू किया। वी जो होता है, वी जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। यू जो इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी, और जो बी पॉइंट पे वेलोसिटी थी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी। यू और वी के बारे में आपको पता लग गया, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी। टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा ए है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए जो स्मॉल ए जो लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्सीलरेशन, विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। और जो टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो एस है तो वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड एस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। तो आपको यहाँ पर हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं। एक तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारी फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारी एक्सीलरेशन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा डिस्टेंस जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारा टी है जिसको हम टाइम, एक हमारा टाइम जिसको हम टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 इक्वेशंस हैं बेसिक, जो आपको मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल इनको अच्छे से याद करना है पहले, तो फिर इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशंस बनी कैसे। सबसे पहले हम बना रहे हैं इक्वेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेशन। हम जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है इक्वेशन बनाएंगे। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये
इस ग्राफ में और जो हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ देखा था उसमें एक डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ। ये ग्राफ था वो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो है ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है। ओरिजिन मतलब पॉइंट जीरो से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने चलना शुरू किया था तब हमारा रेस्ट ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट पे था, मतलब कि हम रुके हुए थे उसके बाद हमने चलना शुरू किया। यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी, मतलब कि हमारे यू की वैल्यू जीरो है इस केस में, क्योंकि जो ग्राफ है वो बिल्कुल ओरिजिन में से गुजर रहा है। ओरिजिन में से गुजरने का मतलब है कि उसका जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो जीरो था, मतलब कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो जीरो थी जब हमने चलना शुरू किया, तब हम रेस्ट पे थे। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा नहीं है जो हम आज देख रहे हैं, उस ग्राफ में ये ओरिजिन में से पास नहीं हो रहा है, इसका ओरिजिन यहाँ पे है। लेकिन अगर रेस्ट पे होता तो इसको यहाँ से ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकली है, ये यहाँ से जा रही है, मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में वेलोसिटी है जो कि इस पॉइंट पे थी, क्योंकि ये लाइन जो है वो हमें वेलोसिटी के बारे में बता रही है। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो मतलब कि इस ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो थी वो 20 होगी। अगर यहाँ पे 20 लिखा होता तो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर 30 लिखा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 30 थी जब हमने उसको देखना शुरू किया। तो आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से की हेल्प से जो है वो इक्वेशन बनाएंगे। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डेट मूव अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमने जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर हमारा कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका ग्राफ बनाया हुआ हमने। ग्राफ इज सिमिलर बट नाउ यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ग्राफ जो है वो पुराने जैसे ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, मैंने आपको ये बता दिया। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी डैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यू एट पॉइंट ए। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि जहाँ से इसने चलना शुरू किया, इसने चलना यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यू लिखी हुई है, तो ए पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो यू है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है। एंड इट इंक्रीजेस टू बी वी एट पॉइंट बी, और ये जो है वो वी तक बी पॉइंट पे जाते बी पॉइंट तक पहुँचते इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी होगी, यू से चला था चली थी और बी पॉइंट तक चलते पहुँचते पहुँचते इसकी जो वेलोसिटी है वो वी होगी, तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट में इंक्रीज हो रही है लगातार। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए के साथ द वेलोसिटी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट ए, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि ए के साथ इंक्रीज हो रही है। तो अब हमें जो है वो यहाँ से इक्वेशन ड्राइव करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा टास्क है कि हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे बी पॉइंट को नीचे एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे, एक्स एक्सिस के साथ मिलाया तो वो सी पॉइंट पे मिल गया। सिमिलर ए पॉइंट बी पॉइंट को हमने वाई एक्सिस के साथ भी मिला दिया और ये जो है वो ई पॉइंट पे मिल रहा है। ए पॉइंट को हमने इसके साथ ऐसे मिला दिया है, तो ये कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। अब जो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, जितना भी वेलोसिटी में चेंज हुआ उसको हमें डिवाइड करना होता है टोटल टाइम के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है कि हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। तो हमें पता है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी थी, यू, मतलब कि ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन है यू। और हमें पता है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास वी। तो ये हो गया हमारे पास वी। अब हमें तो ये चेक करना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता होता है, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास निकलता होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी है वी और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारे पास यू डिवाइडेड बाय इस, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, यहाँ तक पहुँचने में सपोज उसको टी टाइम लगा। तो ये हो गया हमारे पास तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय
टी। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। अगर इस टाइम को, ये वाला टाइम इधर चला जाए तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि ये हो गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो ए टी इज इक्वल टू आ गया यू माइनस वी माइनस यू। अब हम इसको थोड़ा और अरेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास ये अब क्या बन गया, हमारे पास बन गया है ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये एक्सप्रेशन अब बन गया हमारे पास। अगर इस यू को इधर ले आए तो यहाँ पे यू जो है वो माइनस का है, इस साइड पे आके ये हो जाएगा प्लस का। तो ये कैसे हो जाएगा, यू प्लस ए T इज इक्वल टू वी। यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी थी, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन हमें यहाँ पे भी निकाल के दिखाई गई है, आप देख सकते हो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम यही इक्वेशन हमने भी निकाली है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हम इक्वेशन निकालेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन से, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।